बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला ने सख्त निर्देश दे रखे। अवैध फटाके बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई के लिए इसलिए बड़वानी TI राजेश यादव और उनकी टीम शहर में लगातार सर्च करती है। नगर में कोई बिना लाइसेंस के फटाके रहवासी क्षेत्र में विक्रय तो नहीं कर रहा। इसी तारतम्य में आज मुखबिर की सूचना पर बड़वानी में पदस्थ ASI लखन सिंह बघेल व टीम ने बिना लाइसेंस के घर में विक्रय हो रहे फटाके पकड़े। यशवंत पिता शांतिलाल सुल्ताने के यहाँ पाला बाजार में पकड़े गए फटाके। कुल 7 कार्टून फटाके पकड़े, जिसमें 400 से 500 पैकेट फटाके होंगे। यशवंत पिता शांतिलाल सुल्ताने के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आगे विवेचना की जा रही है। ये स्पष्ट SP श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी अवैध फटाके या अवैध हिंगोट रखेगा, बनाएगा, बेचेगा, उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सर के निर्देश के पालन में आज जो है एक SI लखन बघेल और टीम जो है मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पाला बाजार में यशवंत पिता शांतिलाल सुल्तान ने जो है पाला बाजार में अपने घरों में काफ़ी मात्रा में फटाके रखे हुए। उस सूचना पर तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुँची और जब वहाँ पुलिस चेकिंग की तो किसी प्रकार का कोई इनके पास लाइसेंस होना नहीं पाया गया और इस प्रकार से कुल 7 कार्टून फटाके के होंगे, जिसमें करीब 400 से 500 पैकेट फटाके हैं। ये सभी फटाके बगैर लाइसेंस के होने से, घर में होने से, और वहाँ आबादी वाला इलाका है, कोई भी गंभीर घटना भी घटित हो सकती है, उसको देखते हुए तत्काल इसको जो है जब्त कर लिए गए हैं और इसमें प्रकरण विस्फोटक अधिनियम और IPC की धारा के तहत पंजीबद्ध किया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।